हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये है इंडिया में रिज़र्वेशन की सिचुएशन। आज हम बात करेंगे कि क्यों ये एक बैड आइडिया है, क्यों रिज़र्वेशन एक बैड आइडिया है इस इक्वेशन के तीनों वेरिएबल्स के लिए। तो बेसिकली रिज़र्वेशन के वेरिएबल में के इक्वेशन में तीन वेरिएबल हैं। एक वो लोग सबसे पहले सिस्टम जो कि रिज़र्वेशन प्रोवाइड करता है, जिसने कि ये कॉन्सेप्ट दिया है। उसके बाद एक वो जो रिज़र्व्ड है और एक वो जो अनरिज़र्व्ड है। और मेरा ये मानना है कि ये कॉन्सेप्ट तीनों के लिए ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस निकालता है लॉन्ग रन में। और इसी क्लेम को थोड़ा सा मैं आज जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा रीजंस के और एग्जांपल्स के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लोग अनरिज़र्व्ड हैं, जो रिज़र्वेशन की कैटेगरी में नहीं आते, ये उनके लिए क्यों बुरा है। हालांकि सबसे ऑब्वियस बात ये होगी कि ऑफ कोर्स उन लोगों को रिज़र्वेशन नहीं मिली हुई, तो कुछ ना कुछ किसी न किसी लेवल पे वो अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव हो रहे हैं, और इसलिए उनके लिए बुरा है। ये बहुत ही ऑब्वियस सा रीज़न है, लेकिन ये थोड़े डीपर लेवल पे भी थोड़े से साइकोलॉजिकल लेवल पे भी बुरा होता है उनके लिए। उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो जब किसी भी इंडिविजुअल को डिप्राइव किया जाता है किसी भी अपॉर्चुनिटी से जो वो डिज़र्व करता था, जस्ट इस बेसिस पे कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसके किसी एक्शन के बेसिस पे नहीं, जस्ट उसकी आइडेंटिटी क्या है इस बेसिस पे अगर किसी इंडिविजुअल को किसी डिज़र्व्ड अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव किया जाता है, तो ये अपने आप में लिटरली टेक्निकली एक तरह का ऑपरेशन है, क्योंकि उस इंडिविजुअल का उसमें कोई हाथ नहीं था उस वक्त, या उसकी अपनी इंडिविजुअल की हिस्ट्री में। यू आर मेकिंग हिम टू पे फॉर समथिंग इन विच ही डिडंट हैव एनी हैंड, या उसमें उसका कोई रोल नहीं था। फॉर एग्जांपल जो उन कैटेगरीज के लोग रिज़र्वेशन में आते हैं इस बेसिस पे कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, हिस्टोरिकली वो डिप्राइव्ड रहे, तो उनके उस डेप्रीवेशन में उस इंडिविजुअल का जिसकी अपॉर्चुनिटी आज उसके हाथ से जा रही है, उसका कोई डायरेक्ट हैंड नहीं है, बट वो पनिश हो रहा है ये, क्योंकि वो सिर्फ एक 20 या 30 साल या इसके आसपास की एज का एक इंडिविजुअल यंग पर्सन है, और उससे पहले की हिस्ट्री में जब वो पैदा नहीं हुआ था उस वक्त क्या हुआ उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, और आप उसको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो एक तरीके से उन अत्याचारों के लिए जो कि पिछले हजारों या 2000 या 3000 साल तक होते आए हैं। अगर आप उस इंडिविजुअल के बारे में सोचो तो उसकी क्या गलती है, वो गरीब पैदा हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो रिज़र्व कैटेगरी में नहीं आते गरीब हैं, इनफैक्ट शायद मेजॉरिटी या बहुत ही साइजेबल मेजॉरिटी, जस्ट मेजॉरिटी नहीं, लाइक 70-80% लोग जो रिज़र्व कैटेगरी में नहीं है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सिचुएशन में पैदा होते हैं। वो ज़्यादातर के पास सिर्फ इतना होता है कि दे कैन जस्ट गेट बाय ऑन इन यू नो एवरी डे नीड्स, तो वो ऑलमोस्ट पुअर है, तो गरीब वो पैदा हुए हैं। उसने काम किया है, हार्ड वर्क किया है उस अपॉर्चुनिटी के लिए, और वो डिज़र्व करता है वो अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसे वो अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, इसलिए क्योंकि 100 साल पहले तक एक ग्रुप ऑफ़ पीपल किसी दूसरे ग्रुप ऑफ़ पीपल के साथ किसी ना किसी तरीके के अत्याचार कर रहे थे, या उनको इस तरह से ट्रीट कर रहे थे जिस तरह से उन्हें नहीं ट्रीट करना चाहिए था, उसका उसमें क्या रोल है। अगर आप उस बंदे की जगह अपने आप को इमेजिन करते हो रखे, तो जस्ट ये सोचने वाली बात है कि इंडिविजुअल के साथ इस तरह का बिहेवियर क्या करता है जब सिर्फ उसकी आइडेंटिटी की बेस पे उसका परसिक्यूशन हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
अलाइड पावर्स की कंट्रीज किसी बंदे को सिर्फ इसलिए सज़ा देनी शुरू कर देते क्योंकि वो जस्ट जर्मन आइडेंटिटी का है, जस्ट वो जर्मन है, या फिर अमेरिका में रहने वाले जर्मन लोगों को वो फांसी पर चढ़ाना शुरू कर देते सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाथी जर्मनी के क्राइम के लिए, यू नो। तो वो कैसा होता? बेसिकली ये वही हो रहा है। या फिर उनको फांसी पे नहीं चढ़ाते, उनको जॉब्स में डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते या किसी भी तरीके की और सोशल एक्टिविटी में डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते। तो ये ऑलमोस्ट उसी तरह की चीज़ है, आइडेंटिटी बेस्ड परसिक्यूशन। और मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, कम्पीट करते हैं, और वो सिर्फ कुछ नंबर की वजह से उस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि वो अनरिजर्व कैटेगरी में थे। तो मैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये बात सिर्फ उस इंडिविजुअल तक नहीं रहती, उसकी फैमिली, उसके दोस्त, उनको जिन जिन लोगों को ये बात पता चलती है वो लोग भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं, उन लोगों की थिंकिंग पे भी इससे इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं पर्सनली खुद मैंने कभी किसी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कम्पीट नहीं किया, और लेकिन मैंने कई लोगों की हिस्ट्री सुनी है, कई लोगों के एक्सपीरियंसेस जिन्होंने मेरे साथ शेयर किए, उनसे बात की है, और उनसे बात करके फील होता है कि वो कुछ खास अच्छा नहीं फील करते इस बारे में। इनफैक्ट एक तरह का विंडिक्टिव सा नेचर में एक एलिमेंट उनके आ जाता है, क्योंकि ये सिस्टम जो डिज़र्विंग इंडिविजुअल है उनको हेल्प करता है अनसक्सेसफुल बनाने में, उनको हारने में, उनके हारने में इस सिस्टम का हाथ है, जो कि अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल लेवल के माइंड पे, सोसाइटी के लेवल में शायद आपको एक बहुत बड़ी बात नहीं लगे, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी गलत चीज़ें एवरीडे होती रहती हैं, बहुत सारे आयरोनिकल इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन इंडिविजुअल के लेवल पे ये एक कैटास्ट्रॉफी जैसा है। जब आपको ये एक बहुत ही अनकैनी और बहुत ही अजीब फीलिंग है जब आप कोई ऐसी सिचुएशन में होते हो कि आपको लगता है कि यार मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी वजह से मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को डिज़र्व करता हूँ, लेकिन जस्ट मेरे मैं होने की वजह से ये मुझे नहीं दी जा रही, ये कैसा ऐसा व्यवहार क्यों मेरे साथ? और ये उस इंसान को थोड़ा सा बिटर बना देता है सोसाइटी के अगेंस्ट, हेटफुल बना देता है, और सोसाइटी को देखने का उसका परसेप्शन ख़राब कर देता है, परसेप्शन चेंज कर देता है सोसाइटी को उसको देखने का। मेरे साथ पर्सनली ऐसा एक बहुत ही छोटा इंसिडेंट है, लेकिन इसको समझने के लिए ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। एक बार मैं किसी काम से बैंक गया, बैंक 4 बजे बंद होता था, लेकिन मुझे ऑलमोस्ट 4 बजे या 4:01 पे या 3:59 पे मैं बैंक पे पहुंचा, और गार्ड ने जो है गेट बंद कर दिया था 2 मिनट पहले। तो मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट की कि बहुत अर्जेंट है, ये है वो है, और प्लीज़ मेरे को आने दो, लेकिन उसने मुझे नहीं आने दिया। उसने कहा 4 बजे बंद होने का टाइम है, 4 बजे चले जाओ। मुझे उस वक्त एक पैंग, जैसे एक किसी ने पंच मारा हो गट में, एक वैसी सी फीलिंग आई, और मैंने ये सोचा कि किसी की प्रॉब्लम को से कितना बंदा अनकंसर्न्ड हो सकता है, क्योंकि किसी को कुछ भी तरह के इशू आ सकते हैं, कि अगर आप 1 मिनट लगेगा एक डिपॉज़िट करने में या एक ट्रांजैक्शन करने में बैंक में, अगर आप अलाउ करने दोगे तो ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी। तो मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था, आई थिंक 15 या 16 साल का था। तो मैंने अपने आप से बोला कि यार अब मैं भी किसी के साथ भी किसी भी तरीके की लीनियंसी नहीं बरतूंगा जब पावर मेरे हाथ में होगी। मैं भी एक तरीके का टायरेनिकल जो बुखार सा 1 मिनट के लिए आ गया था कि अब अगर मेरे पास कभी भी ऐसा मौका आया कि मैं ऑपरेशन कर सकूं किसी पे, तो मैं भी बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन करूंगा। हालांकि वो एक टेम्प्रेरी फीलिंग थी, फॉर लाइक हाफ एन आवर मैं पिस्ड ऑफ था, लेकिन लेटर ऑन जब मैं लाइफ में उस इंसिडेंट को याद करता हूँ एज ए 15-16 साल का लड़का जिसको जिसके साथ किसी ने थोड़ी सी 1 मिनट की सिंपैथी नहीं दिखाई कि उसकी प्रॉब्लम को समझ सके, तो
तो ऐसे इंसिडेंट्स जब बिल्डअप होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइफ में, तो वो बंदे को कैसे बिटर और हेटफुल सोसाइटी के बारे में बना सकते हैं, कैसे ये चीज़ें इंसान के पर्सपेक्टिव को बिल्ड कर सकती है नेगेटिव या पॉजिटिव तरीके से। वो दुनिया को ऐसे देखने लग जाता है जैसे कि पूरा का पूरा समाज ही उसका दुश्मन है और यू नो किसी कॉन्स्पिरेसी में है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। और ऐसा ही व्यक्ति फिर इसी चीज़ का बदला लेने के लिए लोगों के लिए एक मुश्किल सिचुएशन क्रिएट करना शुरू कर देता है जिसके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं और वो उन एक्सपीरियंस के साथ एक पॉजिटिव तरीके से नहीं निकल पाया, पॉजिटिव तरीके से उस एक्सपीरियंस पे विजय नहीं पा पाया। इनफैक्ट उन एक्सपीरियंसेस ने उसके कैरेक्टर को ऑल्टर कर दिया किसी ना किसी तरह से एक बिटर तरीके से। अगर आप लोगों ने कई बार कई जगह काम किया होगा, किसी के साथ कोई बिजनेस डील की होगी या किसी ऑफिस में जॉब करते होंगे, तो आपको अक्सर ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके एक्शंस कंस्ट्रक्टिव हों या डिस्ट्रक्टिव, लेकिन वो दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ी कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको अपनी एवरीडे लाइफ में मिल जाएंगे कि उन लोगों की हर कही हुई अगली बात या तो किसी के अगेंस्ट होती है या किसी की अचीवमेंट को डाउनग्रेड करने के लिए होती है, या तो उनका लिया गया अगला एक्शन उनके फ़ायदे से कितना जुड़ा है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी और के डिस्ट्रक्शन से कितना जुड़ा है ये ज़रूरी है। और वो लोग मे बी वो लोग शायद जानबूझ के ऐसा ना कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर ही ऐसा बिल्ड हो गया हो कि उनके साथ जैसा पास्ट में हुआ है उसके थ्रू यू नो। तो ऐसे लोग आपको ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिल जाएंगे क्योंकि किसी ना किसी जगह किसी अनकॉन्शियस लेवल पे वो दूसरे लोगों को भी किसी ना किसी लेवल पे सफ़र करते देखना चाहते हैं और उसमें कहीं ना कहीं उन्हें एक तरह की रिडेम्पशन मिलती है, उन्हें एक तरीके की जैसे कहते हैं ठंडक मिलती है उनके हार्ट को। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, ऐसा एक सबकॉन्शियस लेवल पे भी हो सकता है बिना उस बंदे को खुद को रियलाइज़ हुए हुए, क्योंकि उनकी आंखों में उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ है पूरी दुनिया अब उसकी पनिशमेंट डिज़र्व करती है। जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर मेरे पास पावर आएगी तो मैं ओप्रेस करूँगा अगर मैं उस पोजीशन में होऊँगा। तो एक तरीके की ये फीलिंग आ जाती है कि जो उनके साथ गलत हुआ उसकी उसकी सज़ा अब हर किसी को मिलनी चाहिए। और अगर आप किसी भी तरीके से सेन तरीके से सोचते हो तो आप नहीं चाहोगे कि इस तरह के लोग सोसाइटी में ज़्यादा हों या थोड़े से भी हों। तो इस तरीके से एक उस इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करती है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल पे जो कि अपने साथ हुए इनजस्टिस से यू नो एक बड़े एक विनर के तरीके से नहीं निकल पाता है, इनफैक्ट उससे वो हिट हो जाता है। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इस चीज़ के उन पे जो रिज़र्व्ड नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है जो रिज़र्व्ड है। बेसिकली उन लोगों को भी इससे लॉन्ग रन में कोई फ़ायदा नहीं है। इनिशियल लेवल पे आप ऐसा सोच सकते हो मे बी कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो किसी भी तरीके से बस मिल जाए एक बार यू नो बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी अच्छे या बुरे तरीके से वो मिल जाए। ये मैटर नहीं करता कि वो आपको मिलना सही है जस्टिफाइड है या गलत है। जब आप एक यंग और अपॉर्चुनिटी के लिए डेस्परेट इंसान होते हो, नौकरी या किसी एडमिशन या किसी भी तरीके की करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए डेस्परेट होते हो, आप यंग एज में होते हो, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक बार बस आपको वो मौका मिलना चाहिए। और प्रोबेबली ये एक बड़ी एज में लेटर ईयर्स में भी मैटर ना करे अगर आपका पूरा परसेप्शन ही पैसे या वर्ल्डली चीज़ों के अराउंड बिल्ट हुआ हुआ है, फिजिकल चीज़ें जैसे कार मकान गाड़ी बेसिकली वेल्थ के अराउंड अगर आपका आउटलुक बिल्ट हुआ है तो हो सकता है ये लेटर ईयर्स में भी मैटर ना करे कि अपॉर्चुनिटी कैसे मिली थी, एज लॉन्ग एज अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन मनी की चाहत से वेल्थ की चाहत से आगे की भी एक पोस्ट वेल्थ स्टेज लाइफ में आती है जब आपके पास इनफ वेल्थ होती है और जितनी आप चाहते थे और पैसा जो आपके पास आ रहा है अब वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अब आपको लाइफ में कुछ और चाहिए। और वो स्टेज में आपको चाहिए होती है रिकॉग्निशन आपकी डीड्स के लिए।
उसके लिए लोग डिफरेंट तरीके के काम करते हैं, किसी ना किसी तरीके का टेक्निकल या फिर किसी ना किसी तरीके का टैलेंट लेवल का कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं ताकि लोग उसे रिकॉग्नाइज करें, यू नो, किसी ना किसी आर्टिस्टिक लेवल पे, या फिर लोग फिलान्थ्रोफी से रिलेटेड चीज़ें करते हैं जिनके लिए लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जितने भी बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार्स को देख लेंगे, जैसे आमिर खान हो गए, सलमान खान हो गए, इन सब के बड़े बड़े फिलान्थ्रोफिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्होंने खुद बिल्ड किए हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि उसके लिए बस उन्हें क्रेडिट के लिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे कहीं ना कहीं हमें पैसे के बाद रिकॉग्निशन भी चाहिए होता है, और उस स्टेज पे ये थॉट बहुत ही हॉन्टिंग होगा, बहुत ही अनप्लेजेंट होगा कि किसी इंडिविजुअल के लिए कि वो अपना पूरा करियर रिजर्वेशन को ओ करता है। एक किसी और व्यक्ति की अपॉर्चुनिटी जो कोई और डिजर्व करता था डिजर्विंग लेवल पे, वो उसको मिली उसकी आइडेंटिटी की वजह से, और इसलिए वो बन पाया जो वो उस वक्त है। उस टाइम पे ये चीज़ उस इंडिविजुअल को एक तरह का गिल्टी फीलिंग, एक तरीके की गिल्टी फीलिंग दे सकती है, कि एक तरीके का गिल्ट बिल्टअप कर सकती है इनसाइड की कि शायद कहीं ना कहीं वो ये अपॉर्चुनिटी डिजर्व भी करता था या नहीं करता था। एक तरीके का गिल्ट दे सकती है कि किसी और के साथ किसी और व्यक्ति के साथ एक अनफेयर चैलेंज में, एक अनफेयर कंपटीशन में उसने वो चीज़ जीती, क्योंकि रिजर्वेशन का उसके बिल्कुल मोस्ट बेसिक लेवल पे रीज़न या रिजर्वेशन का जस्टिफिकेशन ये होना चाहिए, उसका टारगेट ये होना चाहिए कि वो लोग जो पिछड़े रह गए, वो लोग इस प्रोसेस के थ्रू अपने आप को उन लोगों के बराबर, अंदर के लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे, अपनी फीलिंग के लेवल पे उन लोगों के बराबर हर तरह से इक्वल सोचना शुरू कर दें, फील करना शुरू कर दें, इम्पोज नहीं, फेक तरीके से नहीं, असली तरीके से, अंदर से आया हुआ इक्वल फील करना शुरू कर दें उन लोगों के अगेंस्ट जो जिनके जिनके अगेंस्ट बेसिकली रिजर्वेशन है, जो लोग रिजर्व नहीं हैं उनके उनके सामने अपने आप को इक्वल फील करना शुरू कर दें, किसी भी तरीके से उन अपने आप को उनके सामने इन्फीरियर ना फील करें। और वो मुझे नहीं पता कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब तक आप उन लोगों के अगेंस्ट रिजर्व लोगों को एक हेड स्टार्ट देते रहोगे, जब तक वो लोग रेस में आधी या क्वार्टर रेस आगे भागना भागते रहेंगे, यू नो, आधी आधी रेस या 50% रेस या 70% 30% से अपनी रेस स्टार्ट करेंगे, और एक दूसरे बंदे को जिनके अगेंस्ट उन्होंने इक्वल बनना है उसको आप 1% से स्टार्ट कर रहे हो या 0% से स्टार्ट कर रहे हो, तो वो कैसे अपने आप को उसके इक्वल उस फील करेंगे? क्योंकि हम ह्यूमन लेवल पे, हमारे अंदर एक सोल है, उस सोल को हमारे बारे में सब सच पता होता है कि हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया, क्या क्या डिज़र्व करते थे हम या क्या नहीं करते थे। इसीलिए झूठ जो है वो बोलना बहुत नेचुरल नहीं होता, कई बार झूठ बोलते हो लोगों की आंखों में दिख जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो इनर सोल उस झूठ के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी गाड़ी में बैठा हुआ है और वो गाड़ी चला रहा है और दूसरा बंदा भाग रहा है, ठीक है, उन दोनों के बीच में आप रेस करवाओगे और रेस में गाड़ी वाला तेज़ गाड़ी चला के रेस जीत गया, तो आप उस गाड़ी वाले को आप कैसे कन्विंस करोगे कि भाई तुम उसके जितने ही टैलेंटेड हो जो रोड पे भाग रहा था, और क्योंकि तुम रेस जीते हो, और वो गाड़ी वाला अपने आप को कैसे कन्विंस करेगा कि मैं कार चला के उससे रेस में जीता, लेकिन फिर भी मैं उसके इक्वल, मैं उसके ही जितना तेज़ और उसके जितना अच्छा धावक हूँ, उसके जितना अच्छा रनर हूँ, ये वो अपने आप को कैसे कन्विंस करेगा? बेसिकली रिजर्वेशन अपने आप में खुद ही किसी भी रिजर्व कैटेगरी को ये इनेट फीलिंग नहीं दे सकता कि वो अनरिजर्व कैटेगरीज के इक्वल है हर चीज़ में, क्योंकि ये अपने आप में ही इस बात का सबूत दे रहा है उनको, वो कह रहा है कि आप नहीं प्रिपेयर कर पाओगे इसलिए आप रिजर्वेशन से चले जाओ, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि एक इंडिविजुअल ओलंपिक लेवल पे रेसलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो ओलंपिक लेवल का प्लेयर है, एक एक इंडिविजुअल लोकल या डिस्ट्रिक्ट लेवल का रेसलर है, ठीक है, तो अगर आप उन दोनों को ही सेम रिवॉर्ड दोगे,
तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का रेसलर है उसको उस लेवल की स्किल कभी सीखने को ही नहीं मिलेगी, सिंपल बात ये है। और उस डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इननेट लेवल पे वो कभी अपने आप को उसके बराबर फील ही नहीं कर पाएगा। और रिजर्वेशन के मेन मोटिव को, जो कि इक्वालिटी है बेसिकली, जो कि जब तक दिल से ना आए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको ही ये बेसिकली डिफ़ीट करता है। रिजर्वेशन खुद ही अपने पर्पस को डिफ़ीट करता है। तो अगर आप उस कैटेगरी से भी आते हैं, उस ग्रुप से भी आते हैं जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है, इस बारे में सोचिए। सिर्फ अभी की अपनी यंग एज की पोजीशन या पैसे के पर्सपेक्टिव से नहीं, सचमुच इक्वालिटी पाने के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अल्टीमेट गोल वो होना चाहिए। ओके, जैसा कि मैंने इनिशियली कहा कि ये कोई स्टेट के लिए भी अच्छी आइडिया नहीं है, ये स्टेट के लिए भी कोई अच्छा प्लान नहीं है, गेम प्लान नहीं है। अपने लोगों के, अपने सिटीजन्स के बीच में हर तरह की इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने की के लिए कोई अच्छा प्लान ये स्टेट के लिए भी नहीं है। अब क्यों नहीं है स्टेट के लिए अच्छा प्लान? वैसे तो ये अपेरेंट होना चाहिए अब तक मैंने जो कहा उसके थ्रू, लेकिन अगेन एक बार और कहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज़ ये अपने पर्पस को ही सर्व नहीं करता, ये अपने पर्पस के अगेंस्ट काम करता है, और उसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि जो आपकी कंट्री की वर्क फोर्स होगी, जो आपने रिजर्वेशन के थ्रू बिल्ड की है, वो उतनी कॉम्पिटेंट नहीं होगी जितनी कॉम्पिटेंट वो हो सकती थी, क्योंकि हर कॉम्पिटिटर को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो पॉलिटिशियंस होंगे जो कि सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, वो इन डिप्राइव्ड ग्रुप्स को, जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत महसूस हो रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन का लालच दे के अपनी तरफ ल्योर करने की कोशिश करेंगे और कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे उनको अपने वोट बैंक में। रिजर्वेशन का उनको बेसिकली कैरेट दिखा के उनको अपने पीछे भगाएंगे। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना देख लीजिए कि 1947 में रिजर्वेशन का क्या क्या कॉन्सेप्ट था, कितने परसेंटेज के लिए रखी गई थी, कितने टाइम पीरियड के लिए रखी गई थी, और जिसे आज तक बंद नहीं किया गया, और इनफैक्ट परसेंटेज बढ़ाया गया, और इनफैक्ट अब सिर्फ सिलेक्शन में रिजर्वेशन नहीं होता, सिलेक्शन के बाद प्रमोशन से लेके हर लेवल पर रिजर्वेशन होता है। और कई बार ऐसी बात की जाती है कि जैसे प्राइवेट इंडस्ट्री में भी रिजर्वेशन को अप्लाई किया जाना चाहिए, और जो कि ऑफ कोर्स डिजास्टरस होगा इंडिया के इकोनॉमी के लिए। बिजनेस आई डोंट थिंक ऐसे वर्क करते हैं, एफिशिएंट बिजनेस। लेकिन इसी तरीके से, और आई थिंक आप देख सकते हो कि कैसे वो बहुत सारी पार्टीज बन गई हैं, हर एक ग्रुप के लिए सोसाइटी में, एक हर एक मेजर ग्रुप के लिए कोई ना कोई पार्टी उसको कर रही है, और सारा पॉलिटिकल सिस्टम फ्रैगमेंट है। इस तरीके का सिस्टम सोसाइटी में रिवेंजफुल, हेटफुल लोग क्रिएट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन लोगों के पास बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं है, वो उन लोगों से हेट करना शुरू करते हैं जिनके पास थोड़ी रिजर्वेशन है। जिनके पास थोड़ी रिजर्वेशन है वो उन लोगों से हेट करते हैं जिनके पास बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर वो व्यक्ति जिसके पास अगले ग्रुप से कम अपॉर्चुनिटी होगी, वो अगले ग्रुप को हेट करेगा, क्योंकि उसके पास उतनी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है जितनी उसके पास है। इसका सिंपल और सिंपल एक ही तरीका है, हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ताकि हेट करने का बेसिस ना पैदा हो। और बेसिकली ये जो एक दूसरे से हेट कर रहे हैं लोग, जो लोग जिन लोगों के पास रिजर्वेशन नहीं था, उन लोगों को बेसिकली, जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, आइडियली उनको उनसे सिंपथाइज होना चाहिए, उनके साथ, उनके लिए सॉरी फील करना चाहिए कि आपके लिए हिस्टोरिकली सिचुएशन टफ रही है, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, तो इसलिए उनके साथ सिंपथाइज होना चाहिए, उनके लिए सॉरी फील करना चाहिए। लेकिन जो सिस्टम बिल्ड हो रहा है उसके थ्रू, वो उसकी वजह से वो उनके लिए सॉरी नहीं फील करेंगे, उनके लिए हेटफुल फील करेंगे, उनको और नीचे शायद नज़रों से देखे, और वो सोसाइटी और कंट्री दोनों के लिए ही लॉन्ग रन में बुरा होगा। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, लॉन्ग रन में वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये सोसाइटी के बीच में, ग्रुप्स के बीच में एक तरीके की खाई सी पैदा करनी शुरू कर देगा। किस बेसिस पे? उनके ग्रुप के बेसिस पे, यानी कि पूरी सोसाइटी ग्रुप्स में बट गई, और हर कोई अपने अपने ग्रुप के राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहा है। और आप लोग ज़रा इस सिचुएशन को थोड़ा सा भी इमेजिन करके सोचिए कि एज ए सोसाइटी होल और एज ए कंट्री के लिए ये सिचुएशन कैसी होगी, कि हर
कि पूरी सोसाइटी ग्रुप्स में बटी हुई है और अपने अपने राइट्स के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रही है। ये जो पॉलिटिकल फैक्शंस हैं उनको अल्टीमेटली डिवाइड कर देगा ग्रुप्स में, और हर ग्रुप अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देगा, और इस तरह से आपको एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जगह एक मल्टी पार्टी अरेंजमेंट गठबंधन टाइप की सरकार मिलेगी हर बार, और वो कंट्री के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति अपनी पार्टी को वोट देगा आइडेंटिटी के बेस पे, और कंट्री की गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। हर बार कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए कभी डिसीजन मेकिंग करना ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हर फैक्शंस के अपने अपने स्टेक्स हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको जनरल पॉपुलेशन के इक्वल एलिवेट करने की जगह ये सिस्टम उल्टा लोगों को और डिवाइड कर रहा है, एक दूसरे से दूर कर रहा है। शायद ये बिल्कुल एपरेंट ना हो, सामने ना हो, लेकिन जब ये इशू उठता है तो लोगों की सोच इसके बारे में क्लियरली ऑब्जर्व की जा सकती है उनके ग्रुप्स के बेसिस पे। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिस्टम अल्टीमेटली लोगों और कंट्री दोनों के ही फ़ायदे में है क्योंकि दोनों का इससे नुकसान होगा इन द लॉन्ग रन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि हमें स्पेसिफिक चीज़ों को उनके स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत है। कोई भी इंसिडेंट है उसके नुआंसेस को समझने की ज़रूरत है सही डिसीजन पे पहुँचने के लिए, सही फैसला लेने के लिए। हर सिचुएशन एक दूसरे से डिफरेंट होती है और उसके रीजंस डिफरेंट होते हैं, और वो डिपेंड करती है उस सिचुएशन में इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर उन जातियों का बंदा या उन ग्रुप्स का बंदा जो कि नॉन रिजर्व्ड हैं, ऐसा नहीं है कि पुराने समय में वो सब ही टायरेंट थे, वो सब ही ऑपरेसर थे, वो सब छोटी जाति के लोगों का या फिर सो कॉल्ड छोटी जाति के लोगों का ऑपरेशन कर रहे थे या उनके साथ गलत कर रहे थे। और ऑन दी अदर हैंड जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके भी जितने भी ग्रुप्स हैं, ऐसा नहीं था कि वो लोग भी जो ऑपरेशन हो रहा था दे वर जस्ट टेकिंग इट लाइंग डाउन, वो ये नहीं था कि कोई विरोध नहीं कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई जातियां हैं जिनके लिए हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड है, जैसे कि जाट या फिर गुज्जर, ये जो जातियां हैं इनके खुद के एम्पायर्स थे। आप थोड़ा सा सर्च करिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और हरियाणा और पंजाब के आसपास के एरिए में इनके खुद के अपने एम्पायर रहे हैं, छोटे छोटे इनकी रियासतें रही हैं जिनके राजा इन ग्रुप से बिलोंग करते थे, जो कि आज के टाइम पे अदर बैकवर्ड कास्ट में इंक्लूड होते हैं। बट ऐसा नहीं था कि इनके साथ ऑपरेशन हो रहा था। ऑफ कोर्स अनगिनत लोगों के साथ अनगिनत तरीके की गलत चीज़ें हुई हैं, मैं उन्हें डिनाई करने की कोशिश नहीं कर रहा, और बहुत से बुरे लोग थे, लेकिन आज ना तो वो टाइम है और ना तो वो लोग हैं और ना ही वो रूल हैं। लेकिन आज भी उन चीज़ों का फ़ायदा उन लोगों को दिया जा रहा है, या वो लोग उन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं जो शायद उसे डिज़र्व नहीं करते, और सज़ा उन लोगों को मिल रही है जो उस सज़ा को डिज़र्व नहीं करते। अगर आपको सोसाइटी में सच में हारमनी चाहिए, सच में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म शांति चाहिए, तो वो उसका सिर्फ एक बेसिस हो सकता है, इक्वालिटी। किसी और के साथ पहले गलत हो रहा था, उसे आप ये करके कि आज किसी और के साथ गलत करो, ऐसे ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि सेइंग है, टू रॉन्ग्स डजंट मेक वन राइट। तो सॉल्यूशन यही है कि हेल्प द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हीज और हर इंडिविजुअल नीड्स। किसी व्यक्ति को हेल्प कीजिए उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी जाति को देख के नहीं, उसकी किसी भी चीज़ को देख के नहीं, उसकी आइडेंटिटी को देख के नहीं। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे ग्रुप से आता हो जिसके बारे में आपको ये लगता हो कि वो ग्रुप बहुत ही वेल्थी है और उनके पास हर तरीके की सहूलियत है, लेकिन वो इंडिविजुअल उस ग्रुप से जो आता है उसमें किसी न किसी तरीके की लर्निंग डेफिशिएंसी हो, कुछ किसी न किसी साइकोलॉजिकल लेवल पे वो बंदा इतना कॉम्पिटेंट ना हो।
तो उसे एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होगी, उसके उस उसके लिए थोड़े ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। तो इसलिए इंडिविजुअल को उसकी इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से मदद की ज़रूरत है। और इसके अलावा ये किया जा सकता है कि जो लोग इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसे ना होने की वजह से, साधन ना होने की वजह से, कि वो अमीर लोगों के साथ किसी फील्ड में इक्वल फुटिंग पे कम्पीट कर सकें, उनको इस चीज़ की मदद, ये देना सरकार का काम है, उनको इकोनॉमिक हेल्प करना, उनको अमीर लोगों के जिनके पास साधन है उन लोगों के बराबर ला के खड़ा करना, ताकि वो इक्वल फुटिंग पे कम्पीट कर सकें। बेसिकली ये जो है गवर्नमेंट की या सिस्टम की ड्यूटी होनी चाहिए। उससे ये होगा कि हर किसी को इक्वल लेवल पे बराबर जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और गवर्नमेंट का काम ही यही मेक श्योर करना होना चाहिए कि हर किसी को हर कंपटीशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अगर गवर्नमेंट इतना कर सके, अगर सरकार सिर्फ इतना कर सके, तो सब चीज़ें अपने आप ही ठीक तरीके से काम करने लगेंगी। तो इस मसले पे थोड़ी सी अवेयरनेस जगाना ज़रूरी था, और होप काफ़ी लोगों को ये चीज़ सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। और आपका टाइम देने के लिए थैंक यू, एंड यू हैव अ नाइस डे।